हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको बच्चेदानी के अंदर गांठ डायग्नोस हुई है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी की गांठ है तो क्या बच्चेदानी ही निकालनी पड़ जाएगी या बच्चेदानी को बचाकर केवल गांठ को निकाला जा सकता है और क्या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा या दूरबीन वाले ऑपरेशन से भी गांठ को निकाला जा सकता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ कि यदि बच्चेदानी के अंदर गांठ है तो क्या किया जाए। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी बीमारी है तो बीमारी का हल जरूर है, इलाज जरूर है, लेकिन टेंशन लेने से तो कभी भी किसी बीमारी का इलाज नहीं होता। डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य में गिरावट जरूर हो जाएगी, टेंशन से आपको बहुत ज्यादा सेहत का नुकसान होता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि बच्चेदानी के अंदर गांठ है तो उसे कैसे निकाला जाए, कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चेदानी के अंदर गांठ होती है उसको फाइब्रॉइड बोला जाता है, यानी कि आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट के अंदर यदि फाइब्रॉइड डायग्नोसिस हुआ है तो वो ही बच्चेदानी की गांठ होती है। दूसरी बात, बच्चेदानी की गांठ का साइज क्या है, क्योंकि जो ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है वो बच्चेदानी की गांठ के साइज के हिसाब से किया जाता है, और कितनी सारी गांठें हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी गांठें भी डायग्नोस होती है, कई बार एक ही गांठ भी होती है, यानी कि सिंगल फाइब्रॉइड हो सकता है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। यदि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, तो हो सकता है कि छोटा चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़े, बट यदि सिंगल गांठ है, एवरेज साइज की गांठ है, तो डेफिनेटली आराम से दूरबीन से निकाली जा सकती है। वैसे हमने 3.5 किलो तक की गांठ को दूरबीन से निकाला हुआ है, तो साइज डजंट मैटर फॉर अस, क्योंकि यदि आपके हैंड में एक्सपर्टाइज है तो डेफिनेटली आप बड़ी से बड़ी चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूरबीन से निकाल सकते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपर्टाइज है, वो आपके साथ है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। यानी कि यदि बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड किसी भी साइज का हो, कितने भी नंबर हो, आराम से दूरबीन से निकाले जा सकते हैं, डेफिनेटली निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और दूरबीन से जैसे ऑपरेशन नॉर्मली होते आए हैं वैसे ही 4 छेद बनाकर ये ऑपरेशन भी होता है, उसी में पूरी बच्चेदानी के ऊपर जितनी भी गांठें उनमें एक एक गांठ को लोकेट किया जाता है और एक एक गांठ को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, यानी निकाला जाता है, और फिर वहां से बच्चेदानी को रिपेयर कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी का यदि रिपेयर बहुत अच्छा होता है तो आगे चलकर बच्चे लगने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, यानी कि आप आराम से प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकती हैं। दूसरी बात, आप बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा रही हैं और आपको बच्चेदानी बचानी है तो डेफिनेटली गांठ को निकाल के बच्चेदानी को आराम से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि यदि गांठ हो गई है तो हो सकता है कि आपको बच्चेदानी निकालनी पड़े। और कई सेंटर्स में मायोमेक्टोमी ऑपरेशन के साथ यूटरस रिमूवल की कंसेंट ली जाती है, बट हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और इतने साल के करियर में हमें अभी तक बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो डेफिनेटली बच्चेदानी की गांठ का ऑपरेशन यूटरस को बचाकर आराम से किया जा सकता है। अब यदि आपकी फैमिली पूरी हो गई है और आपके बहुत सारी गांठें हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम आपको यूटरस रिमूवल की सलाह देंगे, वहां बच्चेदानी बचाने का कोई सेंस नहीं रखता है, क्योंकि एक बार गांठ निकालने के बाद दोबारा गांठ होने की संभावनाएं काफी हद तक बनी रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि आज यदि हमने गांठ निकाल दी है तो अगली बार आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी यूटरस के अंदर नहीं होगी, और जब तक आपके पास यूटरस है तो यूटरस से रिलेटेड सारी बीमारियां आपको हो सकती है। इसलिए यदि आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और बच्चेदानी के अंदर काफी सारी गांठें बताई गई है, महीने की काफी ज्यादा समस्या है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आपको लगता है कि अब आगे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो डेफिनेटली आप यूटरस रिमूवल का डिसीजन ले सकती हैं। यानी कि यदि बच्चेदानी में गांठें हैं तो दोनों प्रकार के ऑपरेशन संभव है, बच्चेदानी बचाई भी जा सकती है, बच्चेदानी को निकाला भी जा सकता है। ये डिसीजन आपके ऊपर और आपकी बीमारी के आधार पर लिया जाता है कि आपको कौन से वाला ऑपरेशन चूज करना है। दोनों ही ऑपरेशन अच्छे होते हैं, दोनों ही ऑपरेशन दूरबीन से संभव है। बच्चेदानी से अब तक हमने 3.5 किलो की गांठ बच्चेदानी बचाते हुए निकाली है और 5.5 किलो का यूटरस गांठ के साथ भी निकाला हुआ है, यानी कि साइज डजंट मैटर फॉर अस और नंबर डजंट मैटर फॉर अस, और बड़ी से बड़ी उम्र की लेडी का भी ऑपरेशन हो सकता है और छोटे से छोटे बच्चे का भी ऑपरेशन हो सकता है। बात है सिर्फ आपके इलाज की और डिसीजन की, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इलाज प्लान होना चाहिए। और यदि बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है, गांठ है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आराम से ऑपरेशन हो सकता है, यूटरस को बचा के ऑपरेशन हो सकता है, आगे आराम से प्रेगनेंसी कैरी ऑन की जा सकती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी दोनों ही पॉसिबल है। इसलिए घबराएं नहीं, सही
डॉक्टर चुने और सही इलाज चुने। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आपके लिए लेते आए हैं। यही सेम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन हमारे Facebook पेज पर और Insta पेज पर भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने से छूटे नहीं और आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वंचित नहीं रह जाएं जिससे कि आपको आगे चलकर कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।